हेलो एवरीवन, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ ट्रेडिशनल नेपिस के फायदे, नुकसान और उसको यूज कैसे करते हैं उसके बारे में। उससे पहले मैं बता दूँ, इंडिया में 3 टाइप्स ऑफ नेपिस यूज होती हैं। जो अपनी ट्रेडिशनल नेपिस है वो डिस्पोजेबल डायपर, एंड जो थर्ड टाइप है वो क्लॉथ डायपर है। आज इस वीडियो में हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं नेपिस के, अपने ट्रेडिशनल नेपिस के बारे में। तो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अलग अलग टाइप की नेपिस, ट्रेडिशनल नेपिस। ये अलग अलग शेप में रहती है, अलग अलग मटेरियल भी रहता है, साइज भी आपको अलग अलग मिल जाएगी। ये जैसे है, ये मैंने डीमार्ट से परचेज की थी और ये एम साइज में है, और इसके अंदर बीच में स्पंज है, तो जो पी रहता है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। ये मैंने डीमार्ट से परचेज की थी और इसका प्राइस, ये पर पीस इसका प्राइस 50 रुपीज था। और ये दूसरे टाइप की नेपिस है, ये राउंड शेप में है, ऐसे ट्रायंगल भी आता है। ये दूसरे टाइप की है, ये कॉटन मटेरियल में है, और आप ये टेलर को बोल के भी ऐसे बनवा सकते हो। मैंने, मेरे पास 30-40 नेपिस थी अपने बेबी के लिए, और उतनी तो चाहिए ही रहती है, 30-40 नेपिस। तो वही पॉकेट फ्रेंडली रहेगा कि आप खुद से ही टेलर के पास जाके ऐसा बनवा सकते हो। और एक ऐसी वाली है, ये अलग शेप में है, ये राउंडेड नहीं है, ये स्ट्रेट कट है यहां से, और मैंने अपने बेबी के लिए यही नेपिस ही यूज की है डे टाइम में। तो बात करते हैं इसके फायदे की। इसका सबसे अच्छा फायदा ये है कि ये पॉकेट फ्रेंडली है, डिस्पोजेबल नहीं है, तो आप इसको रीयूज कर सकते हैं। सेकंड फायदा ये है इसका कि इजी टू वॉश है। अगर आप बेबी ने पी की है तो आप वॉशिंग मशीन में डाल के इसको वॉश कर सकते हो। थर्ड फायदा ये है इसका कि ये एक प्योर कॉटन मटेरियल रहता है, तो बेबी की स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। बेबी को कोई रैश और कोई भी रेडनेस नहीं आएगी, तो आपको कोई एक्स्ट्रा डायपर रैश क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट फायदा ये है कि ये बहुत ही कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि कोई लेयर्स ऑफ क्लॉथ या फिर प्लास्टिक नहीं है, तो ये सबसे ज्यादा कंफर्टेबल मटेरियल है। नेक्स्ट जो बात करते हैं इसके नुकसान के बारे में, इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये ट्रैवल फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है। आप ट्रैवलिंग में इसको यूज नहीं कर सकते। इनकेस बेबी ने पी या पोप कर दिया तो उसको क्लीन करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। सेकंड इसका नुकसान ये है कि इसको ना बार बार चेंज करना पड़ता है। एक ही बार बेबी पी करता है और उसको चेंज कर देना पड़ता है। अगला नुकसान इसका ये है कि एक एक्स्ट्रा सेफ्टी की भी जरूरत पड़ती है। अगर बेबी ने नेपिस पहनी है तो बेड पे या कहीं और भी आपको एक ड्राई शीट बिछा के रखनी पड़ती है। ये नेपिस स्टार्टिंग के दिनों पे बहुत अच्छा है, जब बेबी आपका मूव नहीं कर रहा है तब आप उसको पहनाए, पर जैसे ही वो मूव होने लगता है तब वो कहीं पर भी जाके पी और पुप कर सकता है। अगला नुकसान जो मुझे ये नेपिस का पर्सनली लगता है वो ये है कि ये नाइट के टाइम बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि बेबी जब पी कर लेता है तो हमें उसको चेंज कराने के लिए उसकी नींद को भी डिस्टर्ब करना पड़ता है। और नेक्स्ट जो है, इसको पहनाना कैसे, इसका बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको ये जो डोरी दी है, एक
इसके अंदर डालनी है, दूसरी डोरी है जो इसके अंदर डालनी है, बेबी को बीच में रखना है और इसको आपको बांध देना है, बेबी की साइज के अकॉर्डिंग आपको इसको टाई कर देना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट भी कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। इन फ्यूचर में भी मैं ऐसे ही वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।